तो हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आज मैं सुबह सुबह आप सभी को देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर है आज मैं दे रहा हूँ ये JSSC CGL को लेकर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, झारखंड में डिप्लोमा लेवल की जो परीक्षा है JEE की परीक्षा ऑलरेडी चल रही है और उसका रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ था। तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि क्या कुछ हुआ है उसमें, क्या कुछ हुआ है। रिजेक्शन लिस्ट में कम से कम 65,000 स्टूडेंटों का आवेदन रद्द कर दिया गया था। आप पूछेंगे कि इसका क्यों बता रहे हैं, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि JSSC CGL का जो फॉर्म भरा गया है इसमें कितने फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं और रिजेक्ट लिस्ट कब तक आएगा। मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है, काफ़ी छात्र फॉर्म गलत भर रहे हैं। तो किनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, किनका नहीं रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है, देखिए, नोटिस रिगार्डिंग अमेंडमेंट रिजेक्शन लिस्ट ऑफ DLCCE यानी डिप्लोमा लेवल का जो भी फॉर्म भरे थे उनका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी थी दोस्तों। आप सभी को नहीं पता होगा तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, रिजेक्शन लिस्ट जो था कितना लंबा चौड़ा था, आप देख सकते हो बहुत ही लंबा था दोस्तों। इसको आप एक बार, मैंने कैलकुलेट किया है तो कम से कम 65,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रद्द हो गया है, ठीक है। और फॉर्म की में क्या क्या रद्द होता है वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, फॉर्म उन्हीं का रद्द हुआ है जो एक से अधिक बार भरा है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक से अधिक बार भरा, 3-4 बार भर दिया, तो अंतिम बार जो भरा वो उसके लिए मान्य होगा, बाकी बार सब रद्द हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट 4 बार भरा है, उसी प्रकार 50,000 आदमी और भरा होगा तो उस वैसे ही रद्द हो गया। बाकी बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी छात्र कहते हैं सर मेरा फोटो ब्लर आ गया है, क्या मेरा रद्द होगा। जी नहीं दोस्तों, आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा, ठीक है। फोटो सिग्नेचर जिनका भी थोड़ा सा भी ब्लर है उन किसी का भी रद्द नहीं होने वाला है। रद्द सिर्फ उन्हीं का होगा जो फोटो, ठीक है, जो फोटो और सिग्नेचर डालना भूल गए थे, ठीक है, जो फोटो और सिग्नेचर डालना भूल गए थे उनका रद्द होगा। यानी अगर आप फोटो और सिग्नेचर नहीं डाले थे तो फॉर्म आप पूरी तरह से नहीं भरे थे, क्योंकि अंतिम में आपको 2 दिन बाद यानी 24 घंटा बाद या 72 घंटा बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना था। तो अगर आपने नहीं किया था तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और एक केस ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपका जहाँ पर फोटो जहाँ अपलोड करना था वहाँ किसी अन्य व्यक्ति का जैसे मान लीजिए कोई हीरो हीरोइन का या कोई जानवर का फोटो अपलोड कर दिए थे तो उनका रद्द होगा, बाकी बात किन्हीं का रद्द नहीं होने वाला है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि JSSC CGL का रिजेक्शन लिस्ट बहुत जल्द आने वाला है, आ जाएगा। एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा। करीबन 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता है कम से कम 1 लाख के आसपास फॉर्म रद्द होने वाला है, क्योंकि देख सकते हो JEE परीक्षा में इतना कम फॉर्म भरा गया था फिर भी इतना फॉर्म रद्द हुआ है। फॉर्म रद्द नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा हुआ ना कि एक लड़के ने 10 बार भर दिया तो उसका लास्ट वाला अप्रूव्ड हो गया, बाकी बार सब रद्द हो गया, ऐसा हुआ है। एक्चुअल में 65,000 मतलब रद्द नहीं हुआ है, एक ही आदमी का 10 बार भरा गया था तो 9 बार तो उसका कट गया, सिंपल सा बात है, और 1 बार मान्य हो गया। ऐसा नियम बनाया गया है JSSC की तरफ से कि आप अगर 10 बार फॉर्म भरते हो तो 9 बार वाला आपका मान्य नहीं होगा, अंतिम बार वाला मान्य होगा। तो उसी प्रकार ये JSSC CGL इसमें भी 1 लाख फॉर्म रद्द होगा, ठीक है। और जिनका भी फोटो ब्लर आया है, सिग्नेचर ब्लर आया है, इनमें से किसी का फॉर्म रद्द नहीं होगा, सभी को एग्ज़ाम लिखने मिलेगा। बाकी बात आप पास हो या ना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी हो वो बाद की बात है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही बड़ी खबर जो स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा हमसे पूछते थे कि मेरा रद्द होगा कि क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं, आप लोगों का रद्द नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत ही सामने है। जय हिंद, वंदे मातरम, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।